और प्रदेश भर में वकीलों की हड़ताल देखने को मिलेगी। दरअसल यूपी बार काउंसिल ने हड़ताल बुलाई है, जिसका असर प्रदेश भर में देखने को मिलेगा। दरअसल हमले से नाराजगी है यहां पर और सरकार पर मुआवजा राशि को लेकर यहां पर कहा जा रहा है कि मुआवजा राशि नहीं देने का आरोप यहां पर लगाया गया है। तो वकील एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं लंबे वक्त से। बार काउंसिल के सीओपी मान्यता कार्ड की मांग भी यहां पर की गई है। तो प्रदेश भर में वकीलों की हड़ताल देखने को मिलेगी। यूपी बार काउंसिल की तरफ से आपको बता दें कि इस हड़ताल को बुलाया गया है। दरअसल वकीलों पर जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर नाराजगी काफी लंबे समय से वकीलों की देखने को मिल रही है। तो मार्च महीने के हर सोमवार को हड़ताल का आह्वान यहां पर, जहां वकीलों की हड़ताल का आज पहला दिन है। तो यह असर कैसा होगा, यह देखना होगा। दरअसल आपको बता दें कि बार काउंसिल के सीओपी मान्यता कार्ड की मांग यहां पर इनके जरिए की गई है। वहीं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग भी इस हड़ताल का कहीं ना कहीं एक अहम एजेंडा है। तो जो हमले हो रहे हैं लगातार वकीलों पर, उनको लेकर ये नाराजगी और इसी को लेकर अब आर पार का रुख यहां पर इन वकीलों ने अपना लिया है। सरकार पर मुआवजा नहीं देने का भी आरोप यहां पर इन पर लगाया गया। तो कह सकते हैं कि मार्च महीने के हर सोमवार को ये हड़ताल अब वकीलों की अक्सर देखने को मिलेगी। फिलहाल आज हड़ताल का पहला दिन है। देखना होगा कि जो मांगे हैं क्या सरकार से बातचीत की जाएगी उन मांगों को लेकर, क्योंकि पहले भी बातचीत हो चुकी है लेकिन उसका असर यहां पर अब तक नहीं देखने को मिला है। लेकिन देखना होगा कि हड़ताल का अब यह असर क्या रहेगा। और शोएब रिजवी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शोएब, पहले भी हमने यहां पर हड़तालें देखी, वकीलों की प्रदर्शन देखा, लेकिन अब सीधे तौर पर आर पार का रुख यहां पर इख्तियार इन वकीलों ने कर लिया है। मार्च महीने के हर सोमवार को यह हड़ताल, क्या लगता है कि आज पहले सोमवार का जो हड़ताल है उसके बाद कोशिश सरकार की तरफ से रहेगी कि मांगों पर बातचीत कर ली जाए? बिल्कुल, ये सरकार को तय करना होगा। हालांकि जिस तरह से अधिवक्ताओं ने तय किया है वो निश्चित तौर पर चेतावनी भरा है और इससे खास तौर से जो वादी हैं उनके लिए भी परेशानी होगी, क्योंकि इनकी काफी तरह से ये मांग चल रही थी और अब जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया, आज से जो शुरुआत होगी वो 15 अप्रैल तक चलेगी और 15 अप्रैल को बाकायदा अपनी फुल ड्रेस में जो अधिवक्ता हैं वो विधानसभा का घेराव करने का भी उन्होंने ऐलान किया हुआ है, यानी 15 अप्रैल को। और इस बीच में वो लगातार अपने प्रदर्शन और विरोध करते रहेंगे। 16 मार्च को भी उनका अगला प्रदर्शन होगा। तो कह सकते हैं कि वकील जो अपनी डिमांड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब सरकार को जोरदारी से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि पिछले दिनों जो अधिवक्ताओं की हत्या हुई या चोटिल हुई तो जो सरकार की तरफ से बजट या फंड दिया था वो नहीं दिया गया, जिसके वकीलों में आक्रोश है। जी, चलिए, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।